सुप्रभात एंजाइन बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में कैदी और कोकिला पाठ पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए हुए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। जेल में कवि एकांकी और उदास है। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यह समय मधुर स्वर या मधुर गान का नहीं बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है। ठीक है, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, कवि परिचय आपको याद करना ही करना है, वो आपको हर पाठ का कवि परिचय, लेखक परिचय, उनके जन्म, मृत्यु, रचनाएं आपको करना ही करनी है। ठीक है, आगे हम पाठ कविता शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। मैंने प्रसंग पहले भी इसमें आपको बता दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आधी रात को कोयल के कूकने पर आश्चर्य प्रकट करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आधी रात को तो कोयल नहीं बोलती है। कभी भी समान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की चर्चा की गई है। तो कवि कहते हैं कि कोयल क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। जब रात के समय कवि कोयल की आवाज़ सुनता है तो उसे आश्चर्य होता है कि समान परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोयल रात में बोले। यहाँ रात का मतलब आप इससे भी लगा सकते हैं, ब्रिटिश शासन के अन्याय, अत्याचार पूर्ण वातावरण को उन्होंने रात कहा है। ठीक है, जहाँ पे कि हिंदुस्तान के ही लोगों के ऊपर आगे उन्होंने शासन किया था और हिंदुस्तान के ही लोगों को कोई अधिकार नहीं था, तो उसे उन्होंने गहन रात्रि के समान बताया है। ऊंची काली दीवार के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के घेरे में, जीने देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पे उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं उसका वर्णन किया गया है कि चारों तरफ ऊंची काली दीवारों के घेरे में उन्हें रखा जाता था। जबकि ये स्वतंत्रता सेनानी कोई चोर डाकू नहीं होते थे, ये तो सिर्फ अपने अधिकार के लिए मांग करते थे और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन फिर भी उनके अपराध को इतना दंडनीय माना जाता था कि उन्हें चोर डाकू बदमाशों के साथ में रखा जाता था। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था और उन्हें इतना थोड़ा बहुत भोजन दिया जाता था कि वो मरने भी ना पाए। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या काम का प्रभाव गहरा है। यहाँ वो कवि कह रहे हैं कि दिन रात उन लोगों पर पहरा दिया जाता था, उनके मन का कोई भी काम नहीं करने दिया जाता था। तो कवि इसको कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि यह अंग्रेजों का शासन नहीं, अन्याय और अत्याचार का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात की काली, उस समय काली में जगी क्यों आली। वो कह रहे हैं कि जो चांद है, जो कि सबको प्रसन्नता और उसको देख के प्रसन्नता होती है, वो चांद भी अब निराश होके चला गया है और ये अन्याय और अत्याचार की जो रात है वो चारों तरफ फैली हुई है। ऐसे समय में, इस कालिमा में, रात में, ये कोयल तू क्यों जगी हुई है, ये समय तो कोयल के मधुर गान का नहीं है। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें भी कोई कष्ट है, कोई वेदना है जिसके बोझ तले दबके तुम्हारे मुंह से ये करुण आवाज निकल पड़ी हो, तुम्हारा भी कुछ लुट गया है क्या। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तू। वैभव मतलब आप जानते हैं कि कोयल जो है हमेशा बसंत ऋतु में बोलती है, जबकि चारों तरफ सुखद वातावरण होता है, वो वैभव का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक है। तो ऐसी जो समृद्धि में बोलने वाली कोयल, वो जो है ऐसे कष्टमय वातावरण में उसका बोलना कवि को अजीब लग रहा है। क्या हुई बावली अर्धराती को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो दावानल कहते हैं जंगल की आग को। तो कह रहे हैं क्या तुमने अर्धरात्रि में कहीं जंगल में आग लगी देख ली है, जिस कारण तुम उन ज्वालाओं को देख के चिल्ला पड़ी हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ पे फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचारों का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि क्या तुम ये जंजीरों का गहना नहीं देख सक रही हो, ये हथकड़ियाँ तुम नहीं देख पा रही हो। अरे ये हथकड़ियाँ नहीं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू की चरक चूर जीवन की तान, मिट्टे पर उंगलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं।
कोलू उस समय कैदियों से जो कार्य कराए जाते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि पहले कोलू जो है वो बैल खींचते थे, लेकिन जेलों में उन कैदियों से स्वतंत्रता सेनानियों से वो कोलू खींचे जाते थे। और मोट में मतलब पानी खींचने का जो सिंचाई के काम के लिए मोट चलाया जाता था उसको भी पहले बैल या भैंसे वही खींचते थे, लेकिन वो भी काम अब कैदियों से करवाया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो अब मेरे लिए कोलू की जो चरक की आवाज़ है ये मेरे लिए जीवन का तान हो गई है, और अब मैं पेट पर जुआ लगाकर अब जो हूँ मैं मोट खींचता हूँ, और ये मैं ब्रिटिश ये सब कार्य करके मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं ब्रिटिश अकड़ को खाली करना चाहता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढह रही। दिन में ये सब वातावरण देखकर करुणा जगती होगी, रोने का मन करता होगा, इसलिए क्या तुम रात में गजब ढह रही हो। उसी दुख को तुम रात में प्रकट कर रही हो अपने गान के माध्यम से। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो। वो कह रहा है कि शांत वातावरण है, रात का शांत वातावरण है, सभी कैदी जो है इस समय यातनाओं से थक के सो गए हैं। ऐसे समय में इस अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो। क्या तुम विद्रोह का बीज बो रही हो, सबके मन में इस शासन इस अत्याचार अनाचार के लिए विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति तुम बोल रही हो, कोकिल बोलो तो। बेटा आज के लिए इतना ही। फिर से मैं कह रही हूँ आपको, गद्य में पाठ 4 तक करा दिया गया है, सांवले सपनों की आप तक हाफेले में आपका इतना आएगा, और पद में भी ये 4th पार्ट में पढ़ा रही हूँ। इस महीने के लास्ट तक आपके हाफेले एग्ज़ाम होंगे, तो सीरियसली अपना सारा काम पूरा करना, कॉपी पूरा करना, और ढंग से शब्द कवि परिचय और अर्थ प्रश्न उत्तर आपको याद भी करना है। और बेटा सिर्फ गद्य ही नहीं, आने वाला पत्र लेखन और अनुच्छेद का भी आपको अभ्यास करना है। पत्र लेखन और मैं आपको दूंगी तो आपको करने हैं। ये पाठ पढ़ा के हम लोग ग्रामर करेंगे, और ग्रामर में जो जो चीज़ें हैं वो सबका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपको समय नहीं मिला। और आप सभी लोग इस बार पेपर दीजिएगा, समय से पहले अपनी फीस वगैरह पूरी करवा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समय से अपने पेपर दे सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।